नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत 22 अगस्त को हुई थी और बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन इसके बाद जब नई नई परतें खुलना शुरू हुई तो सब अवाक रह गए, क्योंकि अब सोनाली फोगाट की मौत के मामले में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर निशान पाए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें मारा पीटा गया और उसके बाद उनकी हत्या हुई है, और इस मामले में गोवा पुलिस ने फिलहाल FIR भी दर्ज कर ली है। वहीं सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने इससे पहले जब तहरीर दी थी और उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी हत्या हो सकती है, इसकी आशंका उन्होंने जताई थी। उन्होंने गोवा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में सोनाली के PA सुधीर सांगवान पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। सोनाली फोगाट की 22 अगस्त को देर रात मौत हो गई थी। उनके परिवार ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सोनाली के परिवार ने किसी साजिश के तहत हत्या की आशंका जताई, और ऐसे में रिंकू सिंह जो कि सोनाली फोगाट के भाई हैं, उन्होंने फेसबुक पेज से लाइव भी किया। इस लाइव में उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। उन्होंने गोवा पुलिस पर अपराधियों का साथ देने का आरोप भी लगाया, और इसके साथ ही उन्होंने शिकायत पत्र भी लिखा और बताया कि उनकी बहन सोनाली और रेमन की शादी एक ही घर में हुई थी। शादी के 19 साल बाद सोनाली के पति संजय फोगाट की मौत हो गई थी। और अपनी शिकायत में रिंकू सिंह ने यह भी बताया कि 2019 चुनाव के दौरान रोहतक निवासी सुधीर सांगवान और भिवानी निवासी सुखविंदर सिंह से सोनाली मिली। ये दोनों कार्यकर्ता के रूप में आए और सोनाली के साथ काम करने लगे। इसके बाद सुधीर सांगवान सोनाली के साथ PA के तौर पर काम करने लगे। साल 2019 में सोनाली के घर चोरी हुई। इस घटना की जानकारी सोनाली ने पुलिस को दी थी, और इसी पर अब सोनाली के भाई ने आरोप लगाया कि PA सुधीर गोस्वामी ने सोनाली के घर से सभी काम करने वालों को हटा दिया था, और अब ऐसा उन्होंने माना कि हो सकता है कि सुधीर सांगवान ने ही इस पूरे साजिश को अंजाम दिया है। और उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सोनाली का पहले रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या की गई, और उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया जिसके बाद उनकी हत्या की गई और इससे पहले उनका रेप किया गया। फिलहाल अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सोनाली के शरीर पर निशान है, जो ये इस ओर इशारा करते हैं कि उन पर हमला किया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि रेप की पुष्टि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी गोवा पुलिस ने फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है। वहीं सोनाली के PA सांगवान पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, उन्हें 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल मामले में जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुँचते रहेंगे।